नमस्कार वल्लीनामा में आपका स्वागत है। राहुल गांधी तो झूठा है, वाकई असल में राहुल गांधी पर जो रिस्पांस आया है, जो हमने कल राहुल गांधी को एक्सपोज किया है कि वह विदेशों में जाकर किस तरह के झूठ बोलते हैं, उस झूठ का खुलासा हमने किया है। और आज आ गया है एक नया राहुल गांधी और विपक्ष का ब्रह्मास्त्र है, या राहुल गांधी के खुद के लिए एक जहर की तरह होगा, वह हम आपको बताएंगे। जी हम बात कर रहे हैं रफेल डील राहुल गांधी या विपक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र है, या रफेल डील कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए खतरनाक है, वह चीज़ हम आपको राहुल गांधी ने कितने झूठ बोले हैं और मोदी ने कितने झूठ बोले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर कोई डील होती है तो उस डील की एक रकम तय होती है कि उसी रकम पे वह डील की जाती है, परंतु राहुल गांधी की रफेल डील में हर बार अलग अलग रकम बताई जाती है, राहुल गांधी खुद बताते हैं। तो राहुल आइए हम आपको बताते हैं राहुल गांधी के सफेद झूठ की सच्चाई, की रफेल डील पे राहुल गांधी के कितने सफेद झूठ बोले हैं राहुल गांधी ने, उसको मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये सब बताने से पहले ये चमचों से अनुरोध करते हैं कृपया वह वीडियो ना देखें, क्योंकि चमचों का यह वीडियो देखना, हमको हमने आपको बताया हुआ चमचे कौन होते हैं, जो चाटुकारिता में किसी के तलवे चाट जाते हैं वह चमचे होते हैं और वह राहुल गांधी के फॉलोअर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं राहुल गांधी के सफेद झूठ का पहला झूठ नंबर वन। तारीख थी 20 जुलाई 2018, जगह था भारत वर्ष का संसद भवन। राहुल गांधी ने क्या कहा, रफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज था। पता नहीं क्या हुआ, किसने किससे क्या बात हुई, प्रधानमंत्री फ्रांस गए और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए कर दिया। यह आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने इसमें इन्होंने रकम बताई है वह रकम है 520 करोड़ रुपए की, जो कि मोदी सरकार रफेल डील पे, इनके अनुसार मोदी सरकार ने 520 करोड़ रुपए पे रफेल डील किया है, जो कि संसद भवन में इन्होंने बोला था और उसी दिन ने पप्पी झप्पी भी लिया था इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का और आँख भी मारी थी। अब हम आपको पहला आपने बताया, आप फिगर याद रखिएगा कि राहुल गांधी का 520 करोड़ और 1600 करोड़। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा झूठ राहुल का बताते हैं इसी रफेल डील पर। जगह वीनर कर्नाटक, सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी के शब्दों में 526 करोड़ का हवाई जहाज अनिल अंबानी को मदद करने के लिए 1600 करोड़ रुपए के में नरेंद्र मोदी ने जी ने खरीदवाया। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, पहले झूठ में इन्होंने कहा था 520 करोड़ रुपए और 1600 करोड़ रुपए में मोदी सरकार ने इसको खरीदा है, अब इनके डील में जो थी वह 526 करोड़ रुपए है और मोदी सरकार इसे 1600 करोड़ रुपए में खरीदवा रही है। आप अब देखते जाइए, अब मैं आपको तीसरे झूठ की तरफ लेके चलता हूँ। राहुल गांधी का तीसरा झूठ क्या है, राहुल गांधी का तीसरा झूठ, जगह जयपुर, वहाँ भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने उन्हीं के शब्दों में बोला, एक रफेल के लिए यूपी ने 540 करोड़ दिया था, नए कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी ने स्वयं एक हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। अब देखिए पहले था 520 करोड़, फिर वह पहुंचा 526 करोड़, अब वह जाकर के 540 करोड़ हो रहा है, यह तो कहीं सेंसेक्स से भी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स भी इतने जल्दी रंग नहीं बदलता है राहुल गांधी के जितना एक रफेल डील में इनका ये किस तरह से अपना रंग बदल रहे हैं, अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं, या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। एक रफेल डील की कितनी कीमत हो सकती है, एक डील में कितने बदलाव हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चौथे झूठ की तरफ, राहुल गांधी का चौथा सफेद झूठ रफेल डील पर देखते हैं। राहुल गांधी के शब्दों में 29 अप्रैल 2018 को राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्हीं के शब्दों में, जो हमने 700 करोड़ में खरीदा नरेंद्र मोदी जी ने वही हवाई जहाज 1500 रुपए में खरीदा, मतलब हवाई जहाज का दाम दोगुना हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनके दाम 700 करोड़ रुपए पहुँच गए और नरेंद्र मोदी की रफेल डील के दाम घट गए, इनके दाम बढ़ गए, सेंसेक्स अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ, अभी यह नहीं पता। हमने आपको ये चार झूठ जो बताए हैं, उन चार झूठों में आपको एक चीज़ तो लगा होगा कि राहुल गांधी अपने वक्तव्य, अपने बातों पे
कितना खरी खोटी उतरते हैं, कितनी सही बात बोलते हैं, यह आपको साफ पता चल गया होगा। और इनको चीज़ों की कितनी नॉलेज है, लोग सही कहते हैं ट्रोल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सच में वह होते हैं कि कहीं ना कहीं वह नशे में होते हैं और नशे में होकर वह ये सब बातें बोलते हैं। क्योंकि और एक चीज़ इसमें और बताने वाली बात है, इन्होंने चार जगह की आपकी रैलियों के मैंने बताया, इन्होंने उसमें से तीन जगह जो एनडीए सरकार की थी, जो एनडीए सरकार में मोदी जी ने रफेल डील किया है वह इन्होंने बताया है, तीन जगहों पे 1600 करोड़, और आखिरी में जो 16 अप्रैल को इन्होंने बोला उसमें 1500 करोड़ रुपए इन्होंने बताए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने भारत जो मोदी सरकार का है रेट वह तो नहीं बदला, परंतु जो अपने रेट हैं उन्होंने बार बार बदल दिए हैं। और आदमी जब कोई चीज़ झूठ बोलता है तभी गलतियाँ करता है, सच में गलतियाँ नहीं होती हैं। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि शुरू में इन्होंने अपनी डील बताई, क्योंकि अपनी डील में तो अपनी कोई भी व्यक्ति होता अगर वह अपनी डील करता, अपनी सरकार की डील होती है तो वह उस पर पूरी तरह से आश्वस्त होता कि यह डील इतने में की गई थी। लेकिन राहुल गांधी का जो कहना था उसमें राहुल गांधी ने पहले बताया है 520 करोड़, दूसरी बार मैंने आपको बताया है वो उन्होंने बताया है 526 करोड़, तीसरी बार में इन्होंने उसको 540 करोड़ कर दिया, चौथी बार में उसको 700 करोड़ कर दिया है। ये हमारे बोल नहीं है, राहुल गांधी के बोल हैं। तो इस पर अगर हम कहते हैं राहुल गांधी तो झूठा है, तो मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कहाँ से झूठा हूँ? आपको इस बात पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि राहुल गांधी की दोगली राजनीति नहीं कहेंगे तो इस पर क्या कहेंगे? क्या रफेल डील कांग्रेस या विपक्षियों को सत्ता की चाबी दिला पाएगी, यह तो हम नहीं कह सकते। परंतु इनका झूठ जो है वो एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहा है। इस झूठ को अगर हम और आप नहीं उजागर करेंगे और हमारे देश की जनता तक नहीं पहुंचता है तो वह बहुत बड़ा शर्मनाक की बात होती। आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि विपक्ष रफेल डील पर जिस तरह से मोदी पर हमला बोल रहा है और वह पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है, उस आरोप को हम आपके सामने पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी तो झूठा है, यह बात सिद्ध होती है। राहुल गांधी को रफेल डील पे कितनी जानकारी है इस बारे में हम आपको पूरी तरह से जो बताया, इनके सफ़ेद झूठ तो एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन रफेल डील के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देते हैं कि रफेल डील की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में हुआ था, जब सेना को एक जरूरत पड़ी, लगा कि हमें कुछ, हमारे पास उस समय जो लड़ाकू विमान थे वो 26 ही थे, हमारी आवश्यकता 36 की थी। उस समय रफेल डील की जो शुरुआत की खरीदारी की वह की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। उनके बाद जब वह, क्योंकि सरकार उनकी चली गई, उसके बाद जब यूपीए सरकार आई तो यूपीए सरकार ने रफेल डील को आगे बढ़ाया और वह रफेल डील ये सिर्फ बातों ही करते, बातें ही करते रह गए। यह मुद्दे, यह उस समय कई जगह से कोटेशंस उठाए, मंगवाए थे कई देशों से रफेल डील के लिए। रफेल डील एक विमान है, एक टाइप का लड़ाकू विमान है, जो कि बाहर से हमारे देश में हमारे देश की रक्षा पूर्ति के लिए उसके लिए मंगाया गया था और खरीदारी के लिए वो खरीदा जा रहा था। रफेल डील एक विमान का नाम है, वो अलग अलग देशों से हमने कोटेशंस मंगाए थे और वह कोटेशन मंगाया गया था यूपीए सरकार द्वारा। परंतु यूपीए सरकार इन सभी कोटेशंस में जो एक रफेल डील नाम से था, रफेल नाम से था, वह रफेल को फाइनल किया था, परंतु उसका जो रेट था वह पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ था। उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, क्योंकि रफेल डील का जब उस समय बात हुई थी वह चल रहा था कि वह इसके पार्ट्स कौन कितने में आएंगे, सब कुछ पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ था। उसमें राहुल गांधी जो अपने आप को कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये का कहना है कि नरेंद्र मोदी हमारी सरकार 526 करोड़ में, 540 करोड़ में, 520 करोड़ में और 700 करोड़ में, इन सबको मिला करके पूरे पता नहीं कौन सा फिगर आता है उनको खुद, अगर हम इसका अगर लेने की कोशिश करते हैं एलसीएम 700 प्लस 520 1220 हो गए प्लस 560 हो गए, 1220 में 507 जोड़ेंगे तो 1780 होते हैं और प्लस उसमें जोड़ेंगे 540 तो 1700, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसका एलसीएम निकाल के फिर एक बार में उनका हम एक कंजुकेटिव फिगर पे पहुंच पाएंगे, जो राहुल गांधी बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में रफेल डील की कीमत कुछ आसपास 625 के आसपास में आएगी अगर इनका एवरेज हम निकालेंगे। तो राहुल गांधी को, राहुल गांधी रफेल डील पे उनकी गणित कितनी कमज़ोर है
यह आप जानते हैं। असल में उनकी गणित ही कमजोर है, उनकी राजनीतिक गणित बहुत कमजोर है। राजनीति करने उनको आती नहीं है, किसी चीज का उनको ज्ञान नहीं है। परंतु सोनिया मैडम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था तो वह सोने की चम्मच में ही आगे भी जाएगा। तो वह आज के युग में आज का पढ़ा लिखा हिंदुस्तान उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि राफेल डील तो एक मुद्दा है। उस तरह के कितने भी डील हो, कितनी सी बातों पे वह हमेशा झूठ, और झूठ क्या उन्हें एक्चुअल में असल में ज्ञान ही नहीं। वो खुद संसद में बोल गए थे कि हमें असल में को बहुत सारी चीज़ों को हमें समझ में नहीं आता, हमें समझने में थोड़ी देरी लगती है। परंतु वह 50 साल की उम्र में होने जा रहे हैं, परंतु पता नहीं कब उनकी समझ बढ़ेगी। आशा करते हैं राहुल गांधी की समझ बढ़े, क्योंकि अगर राहुल गांधी की समझ नहीं बढ़ेगी तो वह देश के लिए कहीं ना कहीं खतरा है, क्योंकि वह विपक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष का नेता इस तरह की बातें करता है तो विदेशों में और कहीं पे हमारी पहचान बनती है, वह हमारे देश के लीडर्स ही बनाते हैं, हमारे देश के जो मुखिया वही बनाते हैं। अगर राहुल गांधी इस तरह की बातें बाहर बोलेंगे तो देश का और हमारे जो भारतवर्ष का वो कितनी बदनामी होगी, उसका हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए और इस बात की हमें समझ होनी चाहिए। जो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और राहुल गांधी के फ़ैन फॉलोइंग जो फर्जी फ़ैन हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि वह उनके चमचे हैं, कृपया करके चमचे भी हमारी खबरों को देखते रहें, क्योंकि वह राहुल गांधी कुछ सीख सके, कुछ सीख दे सके, हो सकता है वो उन्हें समझा पाएँ, जिससे राहुल गांधी अपनी पार्टी और कांग्रेस को थोड़ा बहुत उसका अस्तित्व बचाने में कामयाब रहें। इसी के साथ हम इतनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।